हर सावन महीना अधिक मास रहेगा। अधिक मास का मतलब होता है पुरुषोत्तम मास या मल मास। प्रत्येक 19 साल के बाद में एक महीना अधिक मास आता है, तो सावन महीना इस बार अधिक मास रहेगा। लगभग 2 माह का यानी 59 दिनों का श्रावण का महीना रहेगा। और इस श्रावण मास में वैसे तो प्रत्येक वर्ष 4 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 8 सोमवार रहेंगे तथा 9 मंगला बोरी व्रत रहेंगे। सावन माह का आरंभ 4 जुलाई 2023 को हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त तक निरंतर सावन माह चलेगा। और श्रावण माह में ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी ससुराल पृथ्वी पर आते हैं और माता पार्वती के साथ में प्रसन्न मुद्रा में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इस दौरान जो भक्तजन, माताएं बहने, भक्तगण, श्रद्धालुजन उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, उनमें यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो वो महादेव है। और सभी भक्तजन महादेव की आराधना करने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखेंगे। वैसे कई श्रद्धालुजन पूरे सावन माह का व्रत रखते हैं, इस बार उनको 59 दिनों का श्रावण माह का व्रत रखना होगा। वही 8 सोमवार रहेंगे। सबसे पहला जो सावन सोमवार रहेगा वो 10 जुलाई को रहेगा। उसके बाद अगला जो सावन सोमवार रहेगा वो 17 जुलाई को रहेगा तथा तीसरा सावन सोमवार 24 जुलाई को रहेगा और चौथा सावन सोमवार 31 जुलाई को रहेगा। उसके बाद जो सावन सोमवार आएगा वो 7 अगस्त को रहेगा। उसके बाद 14 अगस्त को सावन सोमवार रहेगा तथा 21 अगस्त को सावन का सोमवार एवं 28 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार रहेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के 8 सोमवार रहेंगे सावन के और 9 मंगला गौरी व्रत रहेंगे। साथ ही इस दौरान विशेष रूप से ग्रहों का एक अद्भुत संयोग निर्मित होता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी भोले बाबा है और श्रवण नक्षत्र का संयोग श्रावण माह में निर्मित होता है। इस महीने पूरे महीने या सावन सोमवार के दिन भक्त जब भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान होता है। साथ ही इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 30 अगस्त को रहेगा, लेकिन श्रावण माह का समापन 31 अगस्त को होगा।